हमने यहाँ पे ये एहसास फाउंडेशन ने यहाँ पे ये कैंप लगाया था, तो मैं चेयरमैन एज अ ग्रेटर शहर खास, आज हमने यहाँ पे पंडित भाइयों के लिए कैंप लगाया था। कैंप नहीं, खाली यहाँ से मैसेज है कि हम उनको बोल रहे हैं कि आप वापस अपने श्रीनगर, अपने पूरे कश्मीर आइए। जैसे कल मैंने बहुत मीडिया चैनल से कहा, आज यहाँ पे अदा जी भी आई, ये भी हबा कदल की रेजिडेंट है, हम इनके बहुत शुक्र गुजार है कि ये यहाँ पे आए। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, पूरे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो यहाँ पे रिसेंटली इलेक्टेड हुए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी के उमर अब्दुल्ला साहब की, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है, बहने हैं, हमारे बुजुर्ग है, उनको हम चाहते हैं कि वो रिहैबिलिटेट कश्मीर में हो, मगर रिहैबिलिटेट आप उन गाँव में मत करिए जहाँ पे आप रिहैबिलिटेशन, वो नाम की रिहैबिलिटेशन नहीं होनी चाहिए। रिहैबिलिटेशन जो श्रीनगर का है उसमें, उसको श्रीनगर में रिहैबिलिटेट करिए, जो जम्मू का है उसको जम्मू में रिहैबिलिटेट करिए, जो अनंतनाग का है उसको अनंतनाग में रिहैबिलिटेट करिए। ये हमारी यहाँ से बोहरी कदर चौक पे हम बैठे हैं, पूरे यहाँ पे हमारे एजाज साहब भी आए, यहाँ पे अंजलि जी भी आए, और भी हमारे एक भाई है यहाँ पे, और यहाँ पे उपजीत सिंह तालिब भी है। ये पूरे हम पूरे डाउन टाउन से एक मैसेज दे रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, कि आप कश्मीरी पंडित को वापस रिहैबिलिटेट करिए, अपने जो हमारे श्रीनगर के हबा कदल में रहते थे, बोरी कदल में, सफा कदल में रहते थे, कि उनको हर अपनी अपनी जगह पर रिहैबिलिटेट करिए वो, क्योंकि ये भी हमारी सोसाइटी के पार्ट है। क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब इनकी कश्मीरी में हैरत होती थी तो हम वहां होती थी, जब हमारी ईद होती थी तो हमारे बुजुर्ग इनके घर में खाते थे। यही ब्रदरहुड की मैसेज हमने यहाँ से दी, वरना हम यहाँ पे कितनी चीजें जमा कर सकते हैं, तो मगर ये एक मैसेज हमने दी कि हम चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित जो है वो वापस हमारे कश्मीर आए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इनको जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेट यहाँ पे करें।